चचेरन में चलता हूँ। अच्छा बेटा, मैं फिर आऊंगा। जब जी चाहे तुम यहाँ आ सकते हो, तुम्हारा अपना घर है, यहाँ तुम्हारी बीवी रहती है। शुक्रिया। मेहरू, शहरयार को दरवाजे तक छोड़कर आओ। मैं कह दे रही घर चलो, नहीं आया। अब भी मेहरू के घर में। तुमने मुझे धोखा दिया है शहरयार। तुम्हारी माँ भापे कुटनी, उसने भी मुझे डांट दिया। मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं, तुम सबको घर से बाहर निकाल दूंगी। ये मेरा घर है, सब कुछ मेरा है। तुम मेरे नहीं तो क्या हुआ? अब तुम जहन्नुम में जाओ, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। मेरू, रोक लो मुझे। रोक लो? मगर क्यों? मेरा जाने को दिल नहीं चाह रहा। वहां आपकी बीवी और आपकी माँ आपका बेसब्री से इंतजार कर रही है, इसलिए जाना तो पड़ेगा। यहाँ भी तो मेरी बीवी है, जिसके पास मेरा रोकने का दिल चाह रहा। तुम्हारा दिल नहीं चाह रहा कि मैं यहाँ तुम्हारे पास रहूं? दिल तो बहुत चाहता है, लेकिन बहुत सारी जगह इंसान अपनी ख्वाहिशात के आगे जलील भी हो जाता है। तुम बहुत अच्छा बोलती हो। दिल करता है तुम बोलती रहो और मैं तुम्हें सुनता रहूं। अच्छा, जाना नहीं है, चले। छोड़ आई तुम शहरी भाई को? देखा मेहरू, मैंने कहा था ना कॉल करने दो। तुम तो ऐसी परेशान हो रही थी। मत पूछो कि किस दिल से छोड़कर आई हूं मैं। कैसे भागे चले आए? नहीं सुद्रा, तुम नहीं समझोगी। लेकिन क्या नहीं समझूंगी? तुम अभी बच्ची हो। लेकिन मेहरू, मुझे बताओ तो कि बात क्या है? पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, जैसे कोई तूफान आने वाला है। और फिर क्या? जैसा लगता है कि शेरी खुद तो डूबेंगे और साथ में मुझे भी लेकर डूबेंगे। कैसी दिल दहलाने वाली बातें कर रही हो तुम मेहरू। बहुत देर हो गई है, तुम सो जाओ। मेरा तो कल टेस्ट है, मुझे अभी पढ़ना है। और आ गए तुम? तुम यहाँ? तुम्हारा वेट कर रही थी। क्यों? मेहरू से मुलाकात हुई? हाँ। कैसी है वो? नाराज तो नहीं थी? वो बहुत अच्छी है, कभी नाराज नहीं होती, सारे दुख समेट लेती। तुमको एहसास है तुमने मेहरू के साथ बहुत नाइंसाफी की। हाँ, एहसास है, तभी तो बार बार उसके पास चला जाता हूँ माफी मांगने के लिए। तो क्या उसने माफ नहीं किया? वो माफी मांगने ही कहाँ देती है, ऐसे जाहिर करती है जैसे हर गुनाह ही उसी का हो, और मैं मलाल दिल में लिए बैठा रह जाता हूँ। तुम अब आए हो?
आज जो तुमने मेरी इंसल्ट की है ना शहरयार, मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगी। और आपने जो मेरी बीवी की इंसल्ट की है, मैं भी कभी नहीं भूल सकता। तुम मेहरू को तलाक दोगे या नहीं? बस कर दे मामा, अब मैं और ब्लैकमेल नहीं होऊंगा। मैं तुम्हारी माँ हूं शहरयार, ये बात मत भूलो। अगर आप मेरी माँ है तो ये मत भूले कि मेहरू मेरे होने वाले बच्चे की माँ है। मैं अब उसकी बेइज्जती मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुमने देखा किस लहजे में बात कर रहा है मुझसे? आज तक इस लड़के ने मुझसे कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की, और आज देख लो, उसे यहां तक लाने में आपका ही हाथ है। तो क्या ये भी मेरा कसूर है? मैंने सिखाया मुझसे बदतमीजी करे? जरूरी नहीं है मॉम कि हर बात कही जाए, कभी कभी आपके रवैयों से भी इंसान को सब समझ आ जाता है। सना, सना, मम्मा, सना होश में हो? सना, देख लिया तुमने अपनी मनमानी करने का अंजाम? देख लिया? क्या मनमानी की है मैं? ना तुम मेहरू के पास जाते, ना ये होता। बीवी है मेरी। तो ये कौन है जो इस वक्त जिंदगी और मौत की कश्मकश में है? इसने जो किया है खुद किया है। तुम्हारी वजह से हुआ सब कुछ। प्लीज इस वक्त तो चुप कर जाए। क्यों, क्यों चुप कर जाऊं? एक हफ्ता भी नहीं हुआ तुम्हारी शादी को, सना मर गई तो लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगी मैं? तक सोई नहीं, चार बज रहे। सो गई थी, नींद नहीं आई तो उठ गई, इसलिए यहां आकर बैठ गई। लेकिन तुम भी तो नहीं सोई। राहिल की नाइट ड्यूटी है, और वो ना हो तो मुझे नींद ही नहीं आती। तो फिर तुम मुझे क्यों कह रही है? मेरे शहरयार भी तो मेरे पास नहीं है। तुम परेशान मत हो, बहुत जल्द शहरी और तुम साथ रहोगे। वैसे आज शहरी ने वो कर दिखा दिया जिसकी मुझे तवक्को नहीं थी। उसने इस बात का सबूत दे दिया कि वो तुमसे वाकई मोहब्बत करता है। कैसा सबूत? अरे ये क्या कम है कि वो अपने माँ के सामने खड़ा हो गया? ये मोहब्बत नहीं तो और क्या है? अगर वो मुझसे मोहब्बत करते होते तो वो दूसरी शादी कभी नहीं करते। उसे ब्लेम मत करो, तुमने ही इजाजत दी थी उसे। कहने से क्या होता है हानिया, अगर वो मुझसे मोहब्बत करते तो वो किसी और औरत की तरफ देखते भी नहीं, उन्होंने तो शादी कर ली। महरू मुझे यकीन है कि आंटी के कहते पर शहरी ने शादी की होगी। और अगर अम्मी कहें कि राहिल तुम दूसरी शादी कर लो तो क्या वो दूसरी शादी कर लेंगे? मैं आंटी को अच्छी तरह जानती हूँ, अगर उन्हें किसी की बात बुरी लग जाए तो वो इंतकाम लेकर छोड़ती हैं उसे। सांप जैसी आदत है उनके। लेकिन मुझसे क्या दुश्मनी है उन्हें? तुम इसरार अंकल की चहेती थी, और फिर तुम्हारा और शायरी का रिश्ता आंटी के बगैर इजाजत के तय कर दिया गया, और वो इंतकाम पर उतर आई। तुम शायरी को कॉल तो करो। क्यों? उससे पूछो घर में हालात कैसे हैं, आंटी का क्या रिएक्शन था। जाहिर है गुस्से में होंगी तो झगड़ा ही किया होगा। तुम फोन तो करो ना, मैं जब तक चाय बना कर लाती हूँ, दोनों साथ बैठ कर पियेंगे। आपकी वाइफ खतरे से बाहर है।
उसे होश आके क्या मैं उसे मिल सकती हूँ? होश आ जाए उन्हें हम कमरे में मुंतकिल कर देंगे, फिर आप मिल लीजिएगा। ठीक है। तुमने फोन नहीं किया? हाँ किया था, और करवा ली मैंने अपनी बेइज्जती। क्या मतलब? कैसे बेइज्जती की उसने? जरूरी तो नहीं है कि बोलकर ही बेइज्जती की जाए, कम से कम फोन पे बात तो सुनी जा सकती है। ऐसा कैसे कर सकता है शायरी? उसकी आंखों में तो मैंने तुम्हारे लिए मोहब्बत देखी थी। उसका यहाँ आना, आंटी से झगड़ा करना, वो सब क्या था? सिर्फ एक खूबसूरत फरेब, और वैसे भी वो यहां मेरे लिए नहीं बल्कि अपनी होने वाली औलाद के लिए आए थे। मगर शायरी की बात है, वो सब क्या था? एक लम्हे के लिए मुझे भी यही लगा था, लेकिन अच्छा हुआ कि उस फरेब का पर्दा चाक हो गया। मेरे सारे ख्वाब टूट गए हानिया। मेरा मान, मेरा गुरूर, मेरा भरम, सब कुछ इतनी जल्दी टूट जाएगा, मैंने कभी नहीं सोचा। तुम परेशान मत हो, शहरी वापस आएगा, जरूर वापस आएगा, तुम्हारा भरम कायम रहेगा। ये बुरा वक्त है, गुजर जाएगा। चल भी तुम ऐसा करो कि तुम सना की माँ को ले आओ। क्या मतलब? मतलब कि उसे पता होना चाहिए, उसे ये बात छुपाएंगे तो सारी उम्र की ताने देंगे वो हमें। मगर मैं उसे जाकर कहूंगा क्या? सच सच बता देना। मुझे नहीं जाना, आप जानती भी हैं कि उस औरत की कितनी लंबी ज़बान है। फोन कर दो, फोन करके कह दो कि आ जाए। ड्राइवर चला जाएगा। हाँ ये भी ठीक है, भेज दो उसे। सना बेटा, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? ठीक हूँ। बेटा ये तुमने क्या हरकत की है? अगर कुछ हो जाता तो? जब अपना गुरूर और फख्र खाक में मिलता है ना, तो बस मर जाने को जी जाता है। अगर कोई ऐसी बात थी तो तुम मुझे बताती। आपको सब पता नहीं है क्या? तुम फिक्र बिल्कुल मत करो, मैं शहरयार को समझाऊंगी। आपको बता रही हूँ, अब अगर वो मेहरू की तरफ गया ना,
तो मैं क्या कुछ कर सकती हूँ? इसका अंदाजा हो गया होगा आपको। जब इंसान को अपनी जिंदगी की परवाह ना हो, वो दूसरों की जिंदगी की परवाह क्या करेगा? तो जान ही गई होंगी ना। अच्छा तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, वो अब नहीं जाएगा मेहरू की तरफ, ये मेरा तुमसे वादा है, ठीक है? तुम आराम करो, मैं आ रही हूँ। मेरे समझ में नहीं आता आखिर इफ्फत को मेहरू से क्या दुश्मनी है। मालूम नहीं अम्मा, मैं तो खुद ये सोचता हूं कि कहां कोई कमी रह गई, कोई कड़ी है जो गुम हो गई है। अब मुझे एहसास हुआ है ये रिश्ता सही नहीं हुआ। मेहरू बहुत दुखी है बेटा। मां ये सब मुकद्दर की बातें हैं, मेहरू के नसीब में शायद यही था। और मां नसीब से लड़ा नहीं जाता। हाँ ठीक कहते हो तुम, इंसान को पता नहीं होता कि आसमानों पे क्या लिखा है। बस अम्मा मेहरू के लिए दुआ करें अल्लाह से कि सब अच्छा कर दे। अरे बेटा मेरा तो रुआ रुआ उसके लिए दुआ करता है, उसको दुखी देखकर मेरा तो कलेजा फट जाता है। कैसा फील कर रही हैं आप? ठीक गुड, अब इनकी दवाइयाँ लिख दें। मैंने इनकी एक हफ्ते की दवाइयाँ लिख दी हैं, तो ये कंटिन्यू कर लें आप, और ये ड्रिप ख़त्म हो जाए तो आप इनको ले जा सकते हैं। ठीक है। आप परेशान ना हो, अल्लाह उसे जरूर इस दुख से निकालेगा। ये शायद आजमाइश है हमारी। सही कहते हो तुम।